यहां आकर आपसे बात करना कोई खेल नहीं है। ये माफिया है, ये काम किसी बच्चे से उसकी टॉफी चुराने जैसा नहीं है। अगर मेरे बॉसेस को पता चल गया तो वो मुझे मार देंगे। मेरा काम है सूटकेस को डिलीवर करना, जिनमें होती है नकली करेंसी। वो पहले से पैक सूटकेस मुझे देते हैं, फिर मुझे कॉल करते हैं कि डिलीवरी के लिए तुम्हारा पैकेज तैयार है। तुम्हें पता है इसके अंदर कितना पैसा है? पिछली बार मैंने करीब 4 करोड़ डिलीवर किए थे। कितना पैसा? करीब 4 करोड़ नकली करेंसी। कमाल है, एक सूटकेस के अंदर इतनी रकम? हाँ, सिर्फ एक सूटकेस में। ये सारा पैसा अमेरिका पहुँचता है, जितनी भी नकली करेंसी आती है सारी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। ये खतरनाक काम है, बहुत ज्यादा। हर शहर के कुछ राज होते हैं और लीमा इनसे अलग नहीं। ये मेरा पासपोर्ट है। पिछले एक दशक में एक नया क्रिमिनल एंटरप्राइज पनपा है। पैसों, डॉलर्स, यूरोस, ये सब नकली हैं। ये वाले? और इसी के साथ जन्म लिया है गैंगस्टर क्राफ्ट्समैन की नई पीढ़ी ने। इसमें कोकेन से भी ज्यादा मुनाफा है। लेकिन ये लोग काम कैसे करते हैं, ये कौन है, ये मेरे लिए एक राज है। और इनकी तलाश सिर्फ मुझे ही नहीं, ये फुटेज परूवियन नेशनल पुलिस की है, जिसने नकली करेंसी के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी और लीमा बन गया है इस लड़ाई का एक मोर्चा। हमें एक बड़ी खेप मिली है। इसीलिए मैं आई हूँ यहाँ लुरीगांचो प्रिजन में। ये साउथ अमेरिका की सबसे खतरनाक जेलों में से एक है। पेरू की नेशनल पुलिस ने मुझे हाल ही में पकड़े गए एक काउंटरफीटर के बारे में बताया, जिसका पीछा वो कई बरसों से कर रहे थे। हम आपकी पहचान पूरी तरह छिपा कर रखेंगे, कोई नहीं जान पाएगा कि आप कौन हैं। मैं जिन लोगों से बात करती हूँ उनकी पहचान हमेशा छिपा कर रखती हूँ, ये मेरा वादा है। किसी को नहीं मालूम था कि मैं किस तरह का काम करता हूँ। और आपका काम कैसा था? अच्छा, बल्कि बेहतरीन कहूँगा। इसके मास्क पहनने की दो वजह हैं। ये जेल में खबरी के तौर पर बदनाम नहीं होना चाहता और साथ ही ये नहीं चाहता कि इसकी छोटी सी बेटी को ये पता चले कि ये जेल में है, क्योंकि उसकी जानकारी में ये विदेश में काम कर रहा है। और तुम हमेशा डॉलर्स बनाते थे? हाँ, हमेशा, और कुछ नहीं। पर क्यों? क्योंकि इन्हें बनाना बहुत आसान है। कितने पैसे थे जब आप? जब मैं पकड़ा गया? हाँ। 70 करोड़ से ज्यादा। 70 करोड़ रुपए से ज्यादा था आपके पास? हैरानी की बात यह है कि कुल नकली अमेरिकन करेंसी में से 60% पेरू में बनती है। क्या आप इस तरह का काम करने वाले किसी शख्स से बात करा सकते हैं हमारी? बहुत मुश्किल है। पर क्यों? क्योंकि लोग बहुत होशियार रहते हैं, इससे उन्हें काफी नुकसान हो सकता है। सुरक्षा के लिहाज से है ना? उनके साथ हमेशा कोई ना कोई होता है। हथियारों के साथ? बिल्कुल। ये बता रहा है कि एक भेदिये की वजह से पकड़ा गया और इस शख्स की खोजबीन 5600 किलोमीटर दूर उत्तर में हुई थी। दो हफ्ते पहले मैं सीक्रेट सर्विस से मिली थी, प्रेसिडेंट की हिफाजत करने वाली एजेंसी के ये सूटेड बूटेड गार्ड्स देश की करेंसी की रक्षा भी करते हैं। दुनिया में कहीं भी नकली करेंसी का पता चले उसे यहाँ एक तरह के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। एनालिस्ट्स हर नोट की जांच कर रहे हैं और मैं उन्हें देख रही हूँ। यहाँ कागज, स्याही,
रंग सबकी जांच होती है। हर नकली नोट में ये सबूत छिपा होता है कि ये कहाँ बना है। सुराग खोजे जाते हैं, जैसे कि किसी खास स्याही के केमिकल की बनावट या किसी खास कागज की मोटाई। फिर हर नोट या करेंसी का डेटा बनता है। इससे सीक्रेट सर्विस नकली करेंसी बनाने से जुड़े दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर्स की पहचान करती है। 21वीं सदी की शुरुआत में पेरू में बने नकली नोट आने शुरू हुए और तब इस देश में काउंटरफीट लॉज मौजूद ही नहीं थे। हर किसी को ये जानकर हैरानी हुई कि नकली नोट पेरू में बन रहे थे। ये फील्ड एजेंट सुरक्षा कारणों से अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहते। इन्होंने बताया कि एजेंसी ने लीमा में अपना पहला ऑफिस 2012 में खोला था क्योंकि नकली करेंसी की बाढ़ सी आ गई थी। ये लोग आर्टिस्ट हैं, इनके पास वर्कमैनशिप है, इनके पास अच्छा हुनर है। ये करेंसी बड़ी मात्रा में और बड़ी हाई क्वालिटी की बनाई जा रही है। नकली करेंसी की कीमत होती है। अमेरिका के इस शहर में काफी नकली करेंसी मिलने के बाद पुलिस ने सबको सावधान कर दिया है। लाइमस्टोन काउंटी में भी नकली करेंसी मिली है। नकली करेंसी एक ऐसा अपराध है जिससे हर किसी को नुकसान होता है, चाहे देश की अर्थव्यवस्था हो, कारोबार हो या छोटे मोटे काम हो। इस करेंसी की कोई कीमत नहीं होती है। आप बैंक में जाएंगे तो वो आपको अपराधी की तरह देखेंगे, लेकिन आपको इस बारे में कुछ पता ही नहीं होता। आइए आइए, ले जाइए फ्रेश जूसेस और सैंडविचेस। हमें लगता है कि हमारे और काला बाजार के बीच बहुत फासला है, लेकिन वो सब हमारे आसपास ही हैं। वो हमें दिखाई नहीं देते जब तक कोई उन्हें हमारे रूबरू ना लेकर आए। और लीमा में इस काउंटरफीटिंग स्टोरी के साथ तो खासकर ऐसा ही है। सुराग हर कहीं मौजूद है, जैसे हर कोई नकली करेंसी का शिकार बना हुआ है। कुछ दुकानों की दीवारों पर इस शहर के क्रिमिनल आर्टिस्ट की कलाकारी साफ नजर आती है। पेरू में ज्यादातर कैश का इस्तेमाल होता है, तो किसी नकली करेंसी बनाने वाले के लिए यहाँ मौके ही मौके हैं। और इन लोगों के जरिए करेंसी सबसे ज्यादा एक से दूसरे हाथ में पहुंचती है। ये है लीमा के कम्बी स्टार्स या स्ट्रीट साइड मनी चेंजर्स। कभी कभी कस्टमर्स नकली करेंसी कम्बीस्टा को देते हैं और कभी कभी कम्बीस्टा कस्टमर को। मैं कम्बीस्टास यानी मनी एक्सचेंजर्स से कभी करेंसी नहीं लेता, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता क्या असली है क्या नकली। वाकई ये एक फर्जी दुनिया है। ऐसा मान लीजिए, मैंने अपने दोस्त फर्नांडो लुसेना से कांटेक्ट किया। वो एक स्थानीय इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने कहा कि वो मुझे एक कम्बीसा से मिलवा सकते हैं, जो किसी भी मायने में एक ड्रग डीलर से कम नहीं है। वो मुझे अंडरवर्ल्ड की झलक दिखाएगा। उम्मीद है कि वो मुझे इस खेल के बड़े खिलाड़ियों से मिलवाए जो लाखों करोड़ों की नकली करेंसी अमेरिका तक पहुँचाते हैं। ये है वो जगह। तो आप हमसे बात करने को तैयार हैं? ठीक है, ये अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते। आप अपने काम के बारे में हमें कुछ बताइए। मैं एक मनी एक्सचेंज डीलर हूँ। और आप सोल्स के बदले डॉलर्स डाल देते हैं? हाँ, आपने सही कहा। और ये सब नकली होते हैं? हाँ, आप भी कुछ खरीदेंगी क्या? ये मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं खरीदूंगी या फिर नहीं, नहीं। मैं अंडरकवर बायर तो नहीं। बड़े काम की चीज है। आपके पास है? आप उन्हें दिखा सकते हैं? ये जो नकली करेंसी बेचते हैं, ये मुझे दिखा रहे हैं। मुझे देंगे आप? लीजिए। घबराइए नहीं, मैं इन्हें लेकर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। एकदम असली लग रहा है ना? मुझे तो ये काफी असली लग रहे हैं। इनकी आवाज भी बिल्कुल असली जैसी लग रही है, है ना? और क्वालिटी भी बढ़िया है, एक नंबर क्वालिटी। ये नोट छूने में, महसूस करने में बिल्कुल आम नोट जैसा ही लगता है। इसे कोई नकली नहीं कह सकता। इसमें वाटरमार्क सिक्योरिटी थ्रेड है और बहुत सारी डिटेल्स भी हैं। ऐसी हर चीज काउंटरफीटर्स के लिए एक चुनौती होती है, लेकिन इसकी कलाकारी जितनी अच्छी होगी उतने ज्यादा पैसे इन्हें मिलेंगे और इनकी सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी। तो फिर असली नकली की पहचान कैसे करते हैं? 3 स्टेप्स के जरिए पता चल जाता है कि ये असली है या नहीं। इसे छुए, देखें और पलटें। छूकर टेक्सचर चेक कीजिए, क्वालिटी, इसका डिजाइन
फिर आप अच्छा इसे पलटिए, यानी छुओ देखो और पलटो। पैसे के साथ हम सबका करीबी रिश्ता होता है। ये वाला देखिए, हम इसे पाना चाहते हैं, खर्चना और बचाना चाहते हैं। इसकी वजह से जिंदगी में बड़े फैसले लेते हैं। ये इतनी आम चीज है, फिर भी मैंने इसे कभी ध्यान से नहीं देखा। नकली करेंसी इतनी असली लगती है कि इसमें फर्क बता पाना मुश्किल होता है। एक बात बताइए, अगर हम आपके कॉन्टैक्ट में रहते हैं तो क्या इन्हें बनाने वालों से हम बात कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता। पर क्यों? ऐसा करने से मेरे लिए खतरा पैदा हो सकता है। मैं इतना बड़ा समझौता नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी जान भी जा सकती है, तो मैं आपकी इसमें मदद नहीं कर सकता। ये लोग बहुत सावधान रहते हैं, मेरे लिए तो यहाँ होना भी खतरे से खाली नहीं है। मनी चेंजर ने जाने से पहले इस बात की पुष्टि की जो सीक्रेट सर्विस ने मुझे डीसी में बताई थी। जब नकली करेंसी का डिजाइन बन जाता है, फिर किसी काउंटर फीटिंग ऑपरेशन में तीन चीजों की अहम भूमिका होती है। प्रिंटर, जो करेंसी बनाने में सबसे अहम होता है। फिनिशर, उसे जरूरी टेक्सचर देता है, उन्हें असली जैसा बनाता है। और बुरियर, जो नकली करेंसी को देश के बाहर ले जाता है। मैं इन तीनों को ढूंढना चाहती हूँ, और ऐसा आज तक किसी शख्स ने कभी नहीं किया। इसी तरह मैं इस काला बाजार के अंदरूनी कामकाज और इस धंधे को चलाने वाले लोगों के हालात और उनकी मजबूरियों को ठीक से समझ पाऊंगी। इस काम में मेरी मदद करेगा मेरा एक और कॉन्टैक्ट। ये है लोकल प्रोड्यूसर, जिसका निकनेम परू की लोकल डिश पर ही है, यानी सेविचे। यहाँ परू में हम वो चीज बनाने में माहिर हैं, जिसे हम कहते हैं अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव यानी नकली करेंसी। देखिए, हम इस काम में माहिर हैं, पर नकली करेंसी का जो ये काम है वो लीगली बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। पिछले कई सालों के दौरान ये लीमा के अंडरवर्ल्ड में अपनी पहुंच बढ़ाता रहा है, खासकर डिएगो नाम के एक शख्स के जरिए। सेविचे ने बताया कि लीमा में काउंटरफीटिंग रैकेट कुछ एक फैमिलीज चलाती हैं, और इनमें से एक के साथ डिएगो के खास रिश्ते हैं। इनमें से हर एक फैमिली की अंडरग्राउंड वर्कशॉप्स हैं, जहां पुराने किस्म के ऑफसेट प्रिंटर्स धड़ाधड़ नकली करेंसी छापते रहते हैं। यहाँ पे बहुत सारा पैसा है। एक दूसरे से खास रिश्ते रखने वाले अपराधी संगठनों में दाखिल होना बहुत ही मुश्किल होता है, और अगर आप कैमरे लेकर ऐसे किसी ऑपरेशन को देखना चाहें तो वो तो नामुमकिन है। हम उनकी फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं, वो हमें मिलने की जगह बताएंगे। और किससे मिलना है? मीटिंग फैक्ट्री बॉस और उसके बॉडीगार्ड के साथ है। कई तरह के जोखिम है। और इसमें किस तरह के जोखिम है? ये काम खतरों से भरा हुआ है। ये हमें किडनैप कर सकते हैं, फिरौती मांग सकते हैं, मार सकते हैं, कुछ भी। इस कारोबार में जोखिम तो हमेशा होते हैं, पर मीटिंग दिन में हो रही है तो शायद ये किसी पब्लिक प्लेस पर ही होगी, बशर्ते उनकी कॉल आए। 3 घंटे गुजर चुके हैं, डिएगो की कोई कॉल नहीं आई। हेलो। हाँ बताइए। उनका फोन आया था, वो बस आने वाले हैं। तो फिर मैं निकलता हूँ। मेरी मुलाकात उनसे स्कूल पर होने वाली है, और वहाँ से हम तुमसे मिलने के लिए चलेंगे। उम्मीद है हम जल्दी पहुँचेंगे। हम लोग करीब 40 मिनट की दूरी पर हैं, तुम लोग भी वहाँ से निकल जाओ, वो ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। अगर दिल की धड़कनें बढ़ जाएं, तो समझिए कुछ अच्छा होने वाला है। हम लोग परू के काउंटर फिटर्स के गैंग से मिलने के लिए लीमा के एक रहस्यमय इलाके की तरफ जा रहे हैं। किसी के पास भी कैमरा नहीं होने चाहिए, हर किसी को सिर्फ टी शर्ट पहन कर आना है, बटन वाली शर्ट्स नहीं होनी चाहिए, और ध्यान रखना किसी ने घड़ी ना पहने। तो मेन वक्त पर ये बात बता रहे हो? हाँ, तुमने कहा था कि तुम मुझे इस बारे में दोबारा कंफर्म करोगे कि तुम मुझे कॉल करने वाले हो। आखिरी पल में उन्होंने मिलने की जगह बदल दी। शैतान कहीं के, ये लोग पहुंच भी गए। वो पहुंच चुके हैं। हाँ, सही सुना आपने, ये लोग वो तो पहुंच भी गए। लोकेशन बदलने के कारण हमें मीटिंग के लिए देर हो जाएगी।
मेरा मन कह रहा था कि कहीं ये लोग हमसे मिलना टाल ही ना दें। आजकल लीमा के काउंटर फीटर्स काफी चौकन्ने हो गए हैं। अगर पुलिस मेरे पीछे होती तो शायद मेरा रवैया भी यही होता। हमारे यहाँ आने से कुछ ही दिन पहले पुलिस ने कई छापे मारे हैं, जिसमें 40 करोड़ रुपए की नकली करेंसी पकड़ी गई। परू की नेशनल पुलिस ने हमें ये फुटेज दी। मैंने इन सब की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। मैंने तो सोचा था कि नकली करेंसी का कारोबार शहर के रहस्यमय हिस्सों में या फैक्ट्रीज में चलता होगा, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा तो रिहायशी इलाकों में चल रहा है, शांत सड़कों पर, गैराजेस के अंदर, जहां ये नजर नहीं आता। ठीक है, कैमरा नीचे करो। जाहिर है हम इस शुरुआती मीटिंग को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, पर मैं आपको बता दूं कि इस दौरान हुआ क्या। पिछले 15 साल के दौरान मैं अंडरवर्ल्ड के साथ ऐसी कई मीटिंग्स कर चुकी हूं। आपको पता नहीं होता कि आगे क्या होगा। एक आउटडोर कैफे में डिएगो ने हमारी मुलाकात बॉस और उसके बॉडीगार्ड से कराई, जिसकी बॉडी पर ढेर सारे टैटू थे। उसके एक बाजू पर अंग्रेजी में लिखा था, ओनली गॉड कैन जज मी, यानी मेरा इंसाफ ईश्वर करेगा। माहौल काफी गंभीर था। ऐसे हालात में मैं हमेशा बियर ऑर्डर करती हूँ। जल्द ही मैंने अपने फोन में मौजूद इन फोटोज को उसे दिखाना शुरू किया, जिनमें मैं दुनिया भर के इस तरह के लोगों के साथ थी। उसके बाद खाना आ जाता है, बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर मैंने उससे कहा कि मैंने सुना है कि आप अपने काम में बहुत माहिर हैं, और आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि तारीफ से काम कितना आसान हो जाता है। बॉडीगार्ड ने मुझे एक निकनेम दिया, तो मैं समझ गई कि मैंने उसका भरोसा जीत लिया। उसने सामने वाली टेबल से मेरी तरफ इशारा करके कहा, मिरेना, माय क्वीन, कल रात आप कुछ कमाल की चीजें देखेंगी। हर शहर में ऐसे लोग होते हैं जो नियम बनाते ही तोड़ने के लिए हैं, और ऐसे लोगों को पहचान पाना मुश्किल होता है। क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड में रास्ता बनाना हमेशा रोमांचक होता है, इसीलिए मुझे अपना काम पसंद है। साथ ही इस दुनिया में कदम रखने के बाद आप कुछ ऐसा देखते हैं जो बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है। इस दुनिया के अपने कानून और सख्त नियम होते हैं, जो हमें हमारी दुनिया के बारे में काफी कुछ सिखाते हैं। अब हम लोग तैयार हैं। और कैसा लग रहा है? मैं एक्साइटेड हूँ काफी। अच्छा? मैं भी हूँ। चलो चलते हैं उनसे मिलने। हाँ बिल्कुल, वरना पहुँच नहीं पाएंगे। आ जाओ। उम्मीद है सब ठीक होगा। खेल शुरू। क्या हो रहा है? वो कह रहे थे कि पहले मैं आकर जगह देख लूं, ताकि वो बता सकें कि हमें अंदर कैसे आना है। ठीक है, तो क्या हमें एक एक करके अंदर जाना है या फिर? हाँ शायद, क्योंकि हम सब एक साथ अंदर दाखिल नहीं हो सकते। लोग काफी ज्यादा हैं, और क्योंकि आप यहाँ के लिए नहीं हैं, इसलिए दिक्कत हो सकती है। सेंट्रल और साउथ अमेरिका की कई जगहों की तरह परू में भी अमेरिकन्स को ग्रिंगोस कहते हैं, तो काउंटर फीटर्स चौकन्ने हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई भी अमेरिकन सीक्रेट सर्विस से हो सकता है, जो उनके ऑपरेशन में पहुंच बना सकता है। जैसे ही हम पहुंचेंगे, वो हम पर नजर रखना शुरू कर देंगे। क्या उन्हें हमारे पहुंचने का पता चल जाएगा? हाँ बिल्कुल। हेलो, मेरी बात सुनो।
पार्क पहुंचने से पहले उसके पिछले हिस्से में एक छोटा सा गेट है। अगर तुम्हें याद हो वहाँ पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हुआ करती थी। मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। इन लोगों ने हमें शहर के बीच मौजूद इस पार्क में मिलने को कहा है और ये जगह पैलेस ऑफ जस्टिस से थोड़ी ही दूरी पर है। आसपास की इन्हीं बिल्डिंग्स में से किसी एक में नकली करेंसी बनाई जा रही है। उन्होंने दो शर्तें रखी हैं। जिस क्रू से उनकी मुलाकात हो चुकी है उसे ही अंदर आने दिया जाएगा और अंदर आने के बाद रात 8 से सुबह 8 तक सब अंदर रहेंगे, कोई बाहर नहीं जाएगा। मैं ये देखने को बेकरार हूँ कि इस नई और नकली करेंसी से कैसे हमारी जरूरतें पूरी होती जाती हैं। इसके जरिए आप अपना कर्ज चुका सकते हैं, नई कार खरीद सकते हैं या नया घर भी। यानी लालच बहुत बड़ा है या फिर मजबूरी भी, जिसके कारण कोई इस तरह के काम से जुड़ता है। एक घंटा बीत गया, डिएगो की कॉल नहीं आई। दो घंटे बाद उसका फोन बंद हो गया। आखिर हुआ क्या होगा? कहीं पुलिस वगैरह का चक्कर तो नहीं होगा? या फिर ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपना फोन कहीं फेंक दिया हो। हालात अच्छे नहीं लग रहे। तीन घंटे बीत चुके हैं और वो लोग अभी तक नहीं आए हैं। कह सकते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि आज रात कुछ होगा यहाँ। सुनो सवीचे, चलते हैं यहाँ से। हमने काफी इंतजार कर लिया, अब मुझे नहीं लगता कि अब कोई आएगा यहाँ पर। इससे बुरा क्या होगा कि मंजिल के इतने करीब पहुंचकर भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन हिम्मत हारना तो विकल्प है ही नहीं। ये लोग यहाँ हैं और मैं इन्हें ढूंढ कर रहूंगी। कई बार कुछ हाथ ना लगने की कोई वजह नहीं सूझती। आप कनेक्शन बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, आपको लगता है सब ठीक हो जाएगा। आप किसी कॉल का इंतजार करते हैं लेकिन वो कॉल कभी नहीं आती। ऐसे पलों में मैं खुद को याद दिलाती हूँ कि बदला कुछ भी नहीं है। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। इसी शहर में कहीं ना कहीं ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन्स धड़ाधड़ नकली करेंसी छाप रही हैं। वो लोग किसे धोखा दे रहे हैं उन्हें इसकी परवाह नहीं है। बस इन तक पहुंचने का एक नया रास्ता ढूंढना होगा। हमने इस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का पता लगा ही लिया। धीरे धीरे हम इस जगह के बारे में जान गए। इस घर की दीवारें जो हैं, वो प्लाईवुड और स्टायरोफोम से बनी हुई हैं। इससे शोर काफी कम हो जाता है। ये लोग वाकई काफी एहतियात बरतते हैं। कई बार चीजें आपकी सोच के मुताबिक नहीं होती। ये इलाका सुरक्षित नहीं लग रहा है तो हमें अपने कैमरे छिपाकर रखने पड़ेंगे। पर मुझे यकीन है कि रास्ता जरूर मिलेगा। लीमा के कौन से इलाकों में ये गैंग्स काम करते हैं आपको पता है? साल्वाडोर, वेंटानीला, लेकिन ज्यादातर बाहरी हिस्सों में। इन लोगों को हम पर शक हो रहा था। मैं ये जानता हूँ कि ये अपने राज किसी को नहीं बताते। इनकी दुनिया में वादे की बड़ी अहमियत है। इनके लिए जबान ही सब कुछ है और ये अपनी जबान देकर मुकरते नहीं है। जब तक मुझे ऐसे काउंटर फीटर्स नहीं मिल जाते मैं अपने पहले वाले कॉन्टैक्ट्स पर ही निर्भर करूंगी। जब तुम पकड़े गए थे तब क्या कर रहे थे? मैं प्रिंट कर रहा था। मशीन का सारा काम मेरा ही होता था। अच्छा। हम छपाई का काम कर रहे थे कि तभी वहां फोर्स आ गई। ये लोग अंदर दाखिल हुए और हमें जमीन पर पटक दिया। कर्नल ने मुझे गिरफ्तार करते वक्त मुझसे कहा कि वो काफी वक्त से मुझे पकड़ने की फिराक में था और दिन भर मेरे बारे में सोचता था। मेरा नाम उनके सिस्टम में तो था पर वो मुझे कभी पकड़ नहीं पाए थे।
लेकिन उन्होंने मुझे करेंसी प्रिंट करते हुए पकड़ लिया था। ये नोट डिलीवरी के लिए बस तैयार ही थे। और इतने माहिर क्यों थे तुम? क्योंकि मैं हर काम बहुत बारीकी से करता हूँ, बिल्कुल सही रंग इस्तेमाल करता हूँ। यानी आपको उन करेंसीज की सारी डिटेल्स याद हैं, ऐसा है? हाँ। मेरे पास इस वक्त ये है, बताएंगे ये काम कैसे होता है? आपको रंग को याद रखना पड़ता है, उनके लेवल को मिलाकर चलना पड़ता है, बस इतना ही, तभी सही रंग बन पाता है। और इसके लिए आपको हमेशा एक असली नोट और एक नकली नोट साथ रखना होता है, और वो भी जो आप बना रहे होते हैं, तभी आपका काम सही तरह से हो पाता है। आप समझ रही हैं? ओह, तो ये काम इस तरह से होता है। आप सिक्योरिटी लाइन देख रही हैं? इस तरफ देखिए, ये एक स्ट्रिप है, ये देखिए, इसे हम कहते हैं घोस्ट, यानी ये वाटरमार्क। ये हमेशा साफ साफ दिखाई देना चाहिए, इसे इससे थोड़ा बेहतर होना चाहिए, और साथ ही साथ इस वाले से भी, मतलब असली वाले से भी बढ़िया। हाँ, अगर मुकाबले की बात हो तो हमारा नोट इससे बेहतर हो हमेशा। मैं ज्यादातर अपना काम दिन में ही करता था, रंग मिलाने का काम दिन के उजाले में ही करना चाहिए, तभी वो साफ साफ नजर आते हैं। और मैं आमतौर पर पब्लिक प्लेसेस में ही ऐसा करता था, कभी कभी तो मैं दुकान का दरवाजा भी बंद नहीं करता था। पब्लिक प्लेसेस में दूसरे लोग आसपास होते थे जब आप ये काम करते थे? हाँ, मॉल्स, प्रिंटिंग शॉप्स, ऐसी जगहों पर बड़ी मशीन्स वाली फैक्ट्रीज नहीं होती? नहीं, सिर्फ एक प्रिंटर होता है। और ये आम प्रिंट शॉप्स थी? हाँ, किसी भी प्रिंट शॉप में ये काम हो जाएगा, आपको बस पता हो कि आप कर क्या रहे हैं। कमाल है, मुझे लगता था ये जगहें छुपी हुई होती होंगी। पुलिस आसपास से गुजर रही होती थी और हम प्रिंट कर रहे होते थे। अच्छा, बिल्कुल। डर नहीं लगता था? नहीं। और किसी को पता भी नहीं था? नहीं। हमारा मन अंदर से कहता था यहाँ पर कोई भी नहीं है। क्योंकि जब भी मुझे पुलिस पकड़ने आई, उन्हें कुछ नहीं मिला। तो जब पुलिस प्रिंट शॉप आई तो उन्हें कुछ नहीं मिला? नहीं। तो तुम करते क्या थे? लोकेशन बदल लेते थे। अच्छा, लोकेशन बदलते रहते थे। हमारे लोकेशन बदलने के पीछे यही वजह थी कि किसी को हमारे काम के बारे में पता ना चले। हेलो, हाँ बोलो। क्या हाल है दोस्त, क्या चल रहा है? हम उस लोकेशन पर पहुंचने ही वाले हैं, ठीक है ना? हम काफी करीब हैं। हाँ, आ जाओ, वो तुम्हें वहीं पर मिलेगा। ठीक है, बढ़िया, हम करीब 5 मिनट में वहां पर पहुंचेंगे। ठीक है, ठीक है, शाबाश, बहुत बहुत शुक्रिया, गुड बाय। ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। अच्छा? हाँ, उम्मीद तो यही है। देखते हैं। सुबह के 5 बजे हैं और लीमा में मेरे जो कॉन्टैक्ट फर्नांडो हैं, उन्होंने एक प्रिंटर के बारे में बताया है जो हमसे मिलने को तैयार है। हम इस शख्स से मिलने वाले हैं जो एक लीगल प्रिंटिंग ऑपरेशन में शामिल है। इसे माना जाता है इंक मास्टर, और वहां जाकर हमें पता चलेगा प्रिंटिंग कैसे होती है। हमें क्या करना है क्या नहीं? उसने हमें बताया है कि हमें टीम को बिल्कुल छोटा रखना है, जितने कम लोग उतना अच्छा, किसी के भी सामने उसका नाम नहीं लेना है और हंगामा बिल्कुल नहीं करना है। हम ये पक्का करना चाहते हैं कि हम उसके नियमों का पालन करें, क्योंकि हम इसको गंवाना नहीं चाहते किसी भी हाल में। सब लोग चिंता में हैं, घबराए हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि ऑपरेशन हमारी प्लानिंग के मुताबिक हो जाए। हमने एक शॉपिंग मॉल के बाहर गाड़ी पार्क की है और अपने कॉन्टैक्ट की कॉल का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ये दो लोग आ रहे हैं। यही है वो? हाँ, यही है। ये जो शख्स अभी अभी बाहर आया है। फ्रेड, अपना ख्याल रखना। फ्रेड, अगर इसने तुम्हें देख लिया तो मारे जाएंगे, ध्यान से। ठीक है, वो आ गया। आओ, चलो चलते हैं। जल्दी करो,
काफी ज्यादा घबराए हुए हो, पर तुम्हें हम पर भरोसा करना होगा क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम्हें कोई नुकसान हो। बतौर जर्नलिस्ट 15 साल से मेरा ये काम रहा है और मैं हमेशा अपने साथ काम करने वाले लोगों को प्रोटेक्ट करती हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। पहुँच गए? क्या बात है, कमाल है। ये नकली नोट हैं। लीमा में सुबह सुबह का वक्त है और हवा में ताजा स्याही की गंध महसूस हो रही है, और मैं एक प्रिंटर से मिलने जा रही हूँ जो नकली यूएस करेंसी बनाने में माहिर है। ये जगह उस अंडरवर्ल्ड जैसी नहीं लगती जो अब तक मैंने देखी है। सब कुछ खुले में हो रहा है और मैं इन लोगों को लेकर घबराई हुई हूँ। वाह, ये तो कमाल ही है। यानी इस पूरे काम में करीब 1.5 महीना लगता है। अच्छा, ये बताइए कि 1.5 महीने में आप इस मशीन से कितने नोट छाप लेते हैं? करीब 5,000 छाप सकते हैं। 5,000? जी। एक पेज पर 12? जी। लगभग 42 करोड़ रुपए? हाँ, लगभग इतना ही। मजाक मत करो। और यहाँ आसपास जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन्हें पता है कि आप यहाँ पर क्या करते हैं इस दुकान के अंदर? नहीं नहीं, अच्छा? किसी को नहीं पता। अगर उन्होंने हमें ये करते देख लिया तो बात हर जगह फैल जाएगी। ये एक जुर्म है और हम सभी इसके हिस्सेदार हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ प्रिंटर की घबराहट बढ़ती गई। दूसरी दुकानें खुलने लगी हैं, लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। हम इस काम को झटपट निपटाएंगे, ठीक है, ताकि वो इस काम को देख ना सके। रुको, स्याही लगाओ, पेपर लो, सारे पेपर ले लो और जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। माहौल बदल रहा है, लोग घबरा रहे हैं क्योंकि यहाँ इतनी सारी नकली करेंसी पड़ी हुई है और इन्हें काम जल्दी से जल्दी निपटाना होगा। हाँ बिल्कुल, अगर किसी ने हमें देख लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलो। हाँ ठीक है, सामान समेटो। ये सब कुछ छुपा रहे हैं क्योंकि आसपास लोगों की संख्या बढ़ रही है। चलिए चलते हैं, आइए। अब निकलना होगा। अपनी वैन की तरफ बढ़ते हुए मुझे ख्याल आया कि जिस चीज ने मुझे प्रिंटर के बारे में सबसे ज्यादा हैरान किया उसी ने कैदी के बारे में भी हैरत में डाला था। नकली करेंसी बनाने के फैसले को लेकर दोनों में मतभेद था, पर दोनों को मालूम था कि मांग तभी बनी रहेगी अगर करेंसी बढ़िया बनती है। ये बिल्कुल किसी दूसरे काम के जैसा ही है, एक पैसा लगाता है और दूसरा काम करता है। बाकी नौकरियों में भी तो ऐसा ही होता है। बस इसकी खराब बात यह है कि ये गैर कानूनी है। मेरा काम था करेंसी प्रिंट करके आगे थमा देना, उसके आगे की जिम्मेदारी थी फिनिशर की। प्रिंटर के यहाँ से करेंसी के निकल जाने के बाद भी उन्हें असली जैसा दिखाने के लिए काम बचा होता है। फर्नांडो ने पेरू के एक बेहतरीन अंडरवर्ल्ड आर्टिसन फिनिशर को ढूंढ लिया है। उसका काम है करेंसी को टेक्सचर और वेट देना ताकि वो पास, लुक और टर्न टेस्ट में कामयाब हो सके। हम लीमा के दक्षिणी हिस्से में मौजूद विला एल सल्वाडोर जा रहे हैं। यहाँ के लोग इस इलाके को पिकांटे यानी गर्म कहते हैं। यहाँ हर तरह के गैर कानूनी धंधे होते हैं। पुलिस इस जगह को विला सलवाखे बोलती है क्योंकि यहाँ पर लोगों के कत्ल होते रहते हैं। यही है वो? कैमरा ऑन रखना, ठीक है? ठीक। हेलो, कैसे हैं आप? मैं हूँ मरियाना, आप कैसे हैं? तो हम आपको रोनाल्डो कह के पुकारेंगे, ठीक है? क्योंकि आप फिनिशर का काम करते हैं और आप अपना नाम नहीं बताना चाहेंगे, तो इसीलिए हम पुर्तगाल के एक सॉकर प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम से आपको पुकारेंगे, चलेगा? आपने अभी अभी जो खरीदा है क्या वो हमें दिखा सकते हैं?
ये दिखा रहे हैं जो इन्होंने अभी अभी खरीदा है। ये स्पंज है। तो ये है स्पंज, ये तो आम स्पंज है। इससे एकदम सही कट लगता है। अच्छा, तो ये नोट्स काटने के लिए है ताकि उनकी कटिंग बिल्कुल सीधी हो। और ये है ग्लू, इससे अच्छा। पेपर को अलग तरह का टेक्सचर मिलता है, आप समझ रही है ना? जब आप इस तरह की चीजें खरीदते हैं तो आपको डर नहीं लगता कि लोग आप पर शक करेंगे कि भला आप इन चीजों का क्या करने वाले हैं? नहीं, क्योंकि ये तो आम इस्तेमाल वाली चीजें हैं, ये तो हर कोई खरीदता है, जैसे कि स्कूल्स, दफ्तर, ये कोई शक वाली चीज ही नहीं है। इन चीजों को लेकर किसी को भी शक पैदा नहीं हो सकता। अमेरिका की सरकार नकली करेंसी को रोकने के लिए लाखों करोड़ों असली करेंसी खर्च करती है और ये काउंटरफीटर्स नकली नोट बना लेते हैं इन मामूली चीजों से। हमारी तरफ लोगों का ध्यान ज्यादा ना जाए, इसलिए हम पीछे मौजूद इनकी वर्कशॉप में मिल रहे हैं। कैमरे हमारे बैग्स में हैं। शायद पड़ोसियों को भी अंदाजा नहीं होगा कि यहाँ इस कमरे में क्या हो रहा है। काश कि उन्हें पता होता। दुनिया की बेहतरीन नकली करेंसी को बनाने वालों को ढूंढते हुए मैं यहाँ एक वर्किंग क्लास इलाके में आ गई हूँ जो लीमा के बाहर है। और इस शख्स को ये लोग फिनिशर कहते हैं और इसकी यहाँ काफी मांग है। तुम जो कर रहे हो उस काम के बारे में बताओगे मुझे? जरूर। देखिए एक शीट है। एक आइसक्रीम स्टिक से ये वजन और टेक्सचर के लिए ग्लू लगा रहे हैं। फालतू ग्लू को हटा रहे हो? हाँ, है ना, ताकि ये स्मूथ हो जाए। हम इसे करेंसी के उन हिस्सों पर लगाते हैं जिन्हें टेक्सचर चाहिए। आप देख सकती हैं मैं कैसे कर रहा हूँ। यहाँ थोड़ा फर्क महसूस हो रहा है मुझे। हाँ, थोड़ा वक्त लगेगा। लग रहा है टेक्सचर बदल गया है। कमाल है। ये कह रहे हैं कि ये 100 और 50 के नोटों पर भी काम करते हैं, पर 20 के नोट आसानी से बनते हैं, उन पर शक नहीं होता। किसी आम स्टोर पर मिल जाने वाली चंद चीजों और अपने सब्र के बल पर नकली करेंसी को छूने, सुनाई देने और गंध के मामले में काफी असली बनाया जा सकता है। आपके परिवार वाले इस बारे में जानते हैं? नहीं, मेरे इस काम का किसी को नहीं पता। किसी को नहीं? नहीं, किसी को नहीं। तुम इस वक्त कहाँ हो, उन्हें फिक्र नहीं हो रही होगी? फिक्र किस बात की कि मैं कहाँ हूँ और क्या काम कर रहा हूँ? वो जानते हैं कि मैं साइड जॉब पर हूँ। अगर आपकी पत्नी को इस बारे में पता चल गया तो क्या होगा? वो शायद बच्चों को लेकर चली जाएगी। तुम कोई और काम भी करते हो? हाँ, मैं एक ड्राइवर हूँ। तो ये काम करके ज्यादा पैसे कमाते हो या फिर ड्राइवरी करके? ये काम करके। कितना कमाते हो? दो गुना। हाँ। कभी कभी ये नहीं लगता तुम्हें कि इसके जरिए तुम लोगों को धोखा दे रहे हो? ये एक तरह से उनको लूटना है। ये बात मेरे दिमाग में अक्सर आती है, पर मैं उसे नजरअंदाज कर देता हूँ। पैसा एक दूसरे के हाथ में जाता रहता है, पर पैसा तो पैसा है, पूरी दुनिया पर इसका असर होता है। मैं तो सिर्फ अपनी जरूरतों के बारे में ही सोचता हूँ। लोग काला बाजार में कैसे काम करने लगते हैं, ये बात मुझे हमेशा दिलचस्प लगती है। काउंटर फीटिंग को कई मायनों में मौका परस्ती से जुड़ा अपराध कहा जा सकता है। दिन में ड्राइवर का काम करने वाले एक शख्स को लगता है कि उसमें रात में करेंसी को निखारने लायक सब्र और महारत है। कैलेंडर्स और बिजनेस कार्ड्स को प्रिंट करने वाले किसी प्रिंटर को लगता है कि वो नकली करेंसी बनाने के लिए इन्हीं मशीन्स और महारतों का इस्तेमाल कर सकता है।
लेकिन असली दिखने वाली इस नकली करेंसी में जो समय और मेहनत लगती है वो बेकार हो जाएगी अगर करेंसी आम लोगों तक ना पहुंचे। और यहाँ काम शुरू होता है इस शख्स का जो है बूरियर। ये स्पेनिश शब्द बूरो का एक परूवियन अपभ्रंश है जिसका मतलब है गधा और अंग्रेजी में कूरियर। ये काम करने के दो तरीके हैं, एक है ममी मेथड जिसमें करेंसी बॉडी पर बांधी जाती है, इसे टखनों तक लपेट लिया जाता है और फिर एक बड़ा सा कोट पहन लिया जाता है, लेकिन मुझे डबल साइडेड सूटकेस तरीका बेहतर लगता है। वो मुझे फोन करते हैं, मैं सूटकेस लेता हूँ, उसे डिलीवर करता हूँ और लौट आता हूँ। अगर तुम्हें इस काम के जोखिमों के बारे में पता होता तो क्या तुम तब भी ये काम करते? क्योंकि इससे तुम्हारे परिवार को भी खतरा है, तुमने कभी सोचा है इस बारे में? मैं इस धंधे में इसलिए पड़ा क्योंकि पैसों की कमी थी, काम ठीक नहीं चल रहा था, घर का किराया नहीं था, इसलिए मैंने ये काम करने की हिम्मत की। ये बहुत जोखिम भरा काम है, जब भी मैं इसे करने निकलता हूँ जिंदगी ऊपर वाले के हाथों में होती है, हम दुआ करते हैं कि रास्ते में कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। इतना खतरा होने के बाद भी आप हमसे बात क्यों कर रहे हैं? जिस तरह मैं नकली करेंसी ले जाने के दौरान रिस्क उठाता हूँ, इंटरव्यू देकर भी उतना ही उठा रहा हूँ। वो कहते हैं ना कि आप में कुछ करने का जिगर होना चाहिए, मैं तो बस एक पैकेज डिलीवर करता हूँ। ये कहाँ तक पहुँचता है इससे मेरा सही में कोई मतलब नहीं। काउंटरफीटिंग नेटवर्क्स को पता होता है कि उनके शिपमेंट्स का कुछ हिस्सा जब्त हो जाएगा, तो ये लोग अमेरिका तक नकली करेंसी पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोगों और जरियों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एयरप्लेन, कार, बोट, पैदल, यहाँ तक कि इन्हें मेल भी भेजा जाता है। लेकिन इस नकली करेंसी को अमेरिका तक पहुँचाना काफी नहीं होता, इसे आम लोगों में लाना होता है। ये सारा खेल है नकली करेंसी को असली के साथ बदलने का। इसके लिए अलग अलग शॉपिंग सेंटर में जा सकते हैं, किसी हाईवे से गुजरते हुए आप शहर के किसी भी मॉल में जा सकते हैं, किसी फास्ट फूड प्लेस में या कन्वीनियंस स्टोर में जाकर अपनी करेंसी खर्च कर सकते हैं। जैसे आपने 100 का नकली नोट दिया और 90 की असली करेंसी आपने वापस ले ली। असली करेंसी? जी हाँ, दिन खत्म होते होते बिना कुछ खास मेहनत किए आपकी जेब में कई असली नोट आ सकते हैं। ये एक ऐसा ATM है जिसे आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब काउंटरफीटर्स को धर लिया जाता है तो उनकी नकली करेंसी सीक्रेट सर्विस के पास जाती है, जहां उनकी जांच और कैटलॉगिंग होती है, फिर प्रोसिक्यूशन में इस्तेमाल करने के बाद उसे बर्बाद कर दिया जाता है। इसमें से कुछ नकली करेंसी शायद परू से है, हो सकता है उन लोगों के हाथों से भी ये गुजरी हो जिनसे मैं मिली थी। ये काफी बढ़िया लग रहा है। हाँ वाकई, लेकिन अगर लीमा के ये कारखाने बंद भी हो गए तो इसे शुरू करने वालों की कमी नहीं है। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होने वाला, ये तो हमेशा ही चलता रहेगा। ये काम करके बुरा नहीं लगता तुम्हें? लगता है, लेकिन ये मेरी रोजी रोटी है। बहुत से लोग जिंदगी भर ईमानदारी दिखाते हैं लेकिन वो उससे क्या हासिल कर लेते हैं? जिंदगी में हर चीज के साथ जोखिम जुड़ा है। कोई भी नहीं आ रहा है, जल्दी करो। लेकिन परिवार के लिए कभी कभी कुछ उल्टे काम भी करने पड़ते हैं, जरूरतें यूं ही पूरी नहीं होती। ये एक पुराना धंधा भी है और पुराना सच भी, अगर पैसा कमाना मजबूरी बन जाए तो एक विकल्प है खुद ही अपना पैसा छाप लो।